हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ सिनसिनाटी। तो आज हम बात करने वाले हैं मोडॉक के बारे में एंड मोडॉक के ओरिजिन के बारे में, उसकी एबिलिटी के बारे में, वो कहां से आया, उसका नाम कैसे पड़ा मोडॉक, उसका फुल फॉर्म क्या है मोडॉक का, एक एक चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आप बने रहिए वीडियो के साथ एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ सिनसिनाटी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो मोडॉक के ऊपर। तो पहले बात करते हैं कि मोडॉक का फुल नेम क्या है, मोडॉक का असली मतलब क्या होता है। तो मोडॉक का असली मतलब है मशीनरी ऑर्गेनिज्म डिजाइन ओनली फॉर किलिंग। ये है उसका फुल फॉर्म, मशीनरी ऑर्गेनिज्म डिजाइंड ओनली फॉर किलिंग। यह सबसे पहले 1967 में अपीयर हुआ था अपने कॉमिक्स में। तो इसकी एबिलिटीज क्या है, ये क्या क्या कर सकते हैं, तो इसकी एबिलिटीज बहुत सारी है, लेकिन मैंने चुनिंदा चुन के आपके लिए लाई है। पहली एबिलिटीज है कि ये सुपर ह्यूमन है, ये आउट ऑफ द माइंड है, मतलब ये टोनी स्टार्क से बड़ा है, समझ रहे हो। ये सबसे होशियार प्राणी है अब तक का, अगर अच्छे से दिखाया जाए तो। फिर दूसरी एबिलिटीज इसकी आती है कि ये इंटेलिजेंट, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, हर एक चीज़ के तर्क कर सकता है, हर एक चीज़ को भांप सकता है। फिर आता है इसको टेलीपैथी भी आती है, ये एक जगह से दूसरे जगह इजिली शिफ्ट हो सकता है। एंड द लास्ट एबिलिटी जो सबसे ज़्यादा अच्छी है, इसकी फोर्स फील्ड, इसकी फोर्स फील्ड जो है इतनी ज़्यादा एडवांस, इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि ये एक न्यूक्लियर वेपन, यानी कि अगर इसके आजू बाजू परमाणु बम फट जाए तो इसको घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, इसकी झांट कुछ नहीं उखाड़ सकते कोई, समझ रहे ना। इतनी ज़्यादा अच्छी है इसकी फोर्स फील्ड कि इसको कुछ नहीं होगा, इसकी फोर्स फील्ड इतनी ज़्यादा एडवांस है कि इसको कुछ नहीं होगा, इसकी फोर्स फील्ड सब कुछ सह लेगी और बंदे को कुछ नहीं होगा। ये चार एबिलिटीज जो इसमें कूट कूट के भरी हुई है, ये चार एबिलिटीज की सबसे ज़्यादा टॉप ऑफ द नॉच है कि मोडॉक कहां से आया, कौन है, कैसे है। तो अब आते हैं मोडॉक की असली कहानी पे, पिक्चर को छोड़ो असली कहानी में कि मोडॉक कहां से आया, कौन बना। तो जॉर्ज टेरेल्टोन नाम का एक टेक्नीशियन था जो कि एम एडवांस आइडिया मैकेनिज्म एम में काम करता था, जो कि उसके बाप एल्विन का है, ठीक है ना। अब एक चीज और आपको बता दिया जाए कि एम ने ही कॉमिक क्यूब बनाया था। कॉमिक क्यूब क्या है, कॉमिक क्यूब को नाम बदलकर फिर टेसरेक्ट रख दिया था, यानी कि टेसरेक्ट को पहले कॉमिक क्यूब कहा जाता था, अब उसे टेसरेक्ट कहा जाता है। तो फिर एम के साइंटिस्ट ने अपने म्यूटेंट्स से टेरेल्टोन को एक सुपर इंटेलिजेंट मैन, यानी कि मोडॉक, अब यहाँ समझना MODOC बनाया था, मतलब मेंटल ऑर्गेनिज्म डिजाइन ओनली फॉर कंप्यूटर, मतलब कि उन्होंने टेरेल्टोन को सिर्फ एक सुपर ह्यूमन बनाया था, ठीक है ना। तो फिर एक्चुअल में हुआ क्या, जो ये मोडॉक था अपनी जो पावर का गलत इस्तेमाल करने लगा, अब उसके ऊपर अहम आ गया, उसको ईगो सवार हो गया, तो उसने क्या किया, उसने सारे साइंटिस्ट को मार दिया और पूरे एम पर कब्जा कर लिया और अपना नाम मोडॉक रख लेता है, यानी कि मशीनरी ऑर्गेनिज्म डिजाइन ओनली फॉर किलिंग। पहले इसका नाम था मेंटल ऑर्गेनिज्म डिजाइन ओनली फॉर कंप्यूटर MODOC, लेकिन बाद में इसने अपना नाम रख लिया मशीनरी ऑर्गेनिज्म डिजाइन ओनली फॉर किलिंग MODOK, जो कि इसका असली नाम है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दिए, कोरिए स्टोल इस बार मोडॉक का रोल प्ले करने वाले हैं आंटमैन क्वांटमेनिया में। अगर इस बंदे को आप नहीं जानते तो ये बंदा हमें आंटमैन फर्स्ट मूवी में विलेन के रोल पर दिखाई दिया था, जिसका नाम येलो जैकेट था उस समय। अब ये बंदा मोडॉक के रूप में वापस आ रहा है, ये कैसे हुआ ये हमें मूवी में पता चलेगा। और एक चीज और, अगर तुम्हें नहीं पता तो जो उसकी उड़ने वाली कुर्सी थी उसका नाम डूम्स डे चेयर था, उसकी उड़ने वाली कुर्सी का नाम डूम्स डे चेयर था, जो कि एवरी वेपन, यानी कि हर एक टाइप के वेपन से लोड थी, मिसाइल, ग्रेनेड और जितने भी टाइप्स के हाईटेक वेपन्स आते हैं उन सारे वेपन से लोड हुई थी वो चेयर, इसलिए वो उड़ भी सकता था, उसी से किसी को किल भी कर सकता था, उसी से सबको सब कुछ कर सकता था। तो फिलहाल मैंने आपको मोडॉक की सारी जानकारी दे दी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, कमेंट में बताइए मुझे कैसी लगी जानकारी, अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए एंड लास्ट में सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन दबाइए एंड बाय बाय फ्रॉम सिनसिनाटी।